नमस्कार। क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का यह पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं सीखेंगे। तो इनमें पहला जो पॉइंट हमारा आ रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। हम लोग पूर्णांक संख्याओं, परिमेय संख्याओं इत्यादि में हमने इन नियमों को पढ़ा था संवृत गुण के बारे में। तो यहां पर उसी से संबंधित ये वास्तविक संख्याएं संख्याओं के बारे में है। एक परिमेय संख्या, आइए उदाहरण लेते हैं, एक परिमेय संख्या ये 2। अब इसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं प्लस √2, दो जोड़ 2 का वर्गमूल। तो ये हमारा परिमेय है और ये अपरिमेय। तो जब इनको हम जोड़ दिए हैं तो ये क्या बन गया है, ये अपरिमेय बन गया। इसी तरह से घटाओ, ये परिमेय और इससे हम घटा रहे हैं एक अपरिमेय, तो यह भी अपरिमेय होगा। अब जो दूसरा नियम है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन निगेटिव परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल ये भी अपरिमेय होता है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक हमने लिया ये परिमेय संख्या और इसको गुणा कर रहे हैं एक अपरिमेय से, तो ये जो बनी संख्या तो ये होगा अपरिमेय। ये गुणा के बाद हम देखते हैं भाग, तो ये एक हम ले रहे हैं अपरिमेय और इसमें हम भाग ले रहे हैं एक परिमेय से, तो ये भी हमारा बन गया क्या अपरिमेय। अब जो तीसरा रूल है वो है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। आइए इसे एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। सबसे पहले ये है 3 + √2, एक अपरिमेय संख्या हमने लिखा लिया। अब इसमें एक और अपरिमेय संख्या हम जोड़ रहे हैं 3 - √2, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया 3 + √2 प्लस ये ब्रैकेट हटा रहे हैं 3 - √2, तो ये √2 यहां प्लस है, ये √2 यहां माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया ये 6 और ये क्या है एक परिमेय है। तो हमने क्या देखा कि एक परिमेय को एक परिमेय से जोड़ा तो हमारा ये परिमेय बन गया। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एक अपरिमेय हमने लिया और पुनः एक अपरिमेय लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी एक अपरिमेय और एक अपरिमेय को हम जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5√3, ये तो अपरिमेय है।
तो हमने अभी देखा था कि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं तो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी बन सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। अब गुना का उदाहरण लेते हैं। एक अपरिमेय हमने लिया थ्री और ये रूट टू, और इसको गुना कर रहे हैं टू रूट टू से, तो ये गुना हो जाएगा तीन गुना दो गुना ये रूट टू गुना रूट टू, तो ये हमारा बन गया ये तीन दुना छ और रूट टू इंटू रूट टू ये टू हो गया, यानी ये 12, तो ये बन गया हमारा परिमेय। अब पुनः हम गुना करते हैं अपरिमेय संख्याओं का, थ्री रूट टू इंटू टू रूट थ्री, तो यहां पर फिर उसी तरह से करेंगे थ्री इंटू टू इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री, तो ये हो गया छ और ये रूट टू इंटू रूट थ्री ये हो जाएगा रूट सिक्स, यानी सिक्स रूट सिक्स, तो ये क्या है ये अपरिमेय। तो यहां हमने देखा कि अपरिमेय का गुना अपरिमेय से किया तो ये परिमेय आ गया, पुनः हमने अपरिमेय का गुना अपरिमेय से किया तो ये अपरिमेय आया। अब भाग की स्थिति में भी देखते हैं, एक अपरिमेय ले रहे हैं टू रूट थ्री और इसे भाग दे रहे हैं थ्री रूट थ्री, तो यहां क्या होगा ये रूट थ्री और ये रूट थ्री ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2/3, यानी हमें क्या मिला परिमेय मिला। एक और उदाहरण लेते हैं, टू रूट सिक्स बाई थ्री रूट थ्री, इसे हल करते हैं टू और ये रूट सिक्स को हम लिख सकते हैं गुना ये रूट थ्री इंटू रूट टू और ये है थ्री रूट थ्री, तो ये रूट थ्री और ये रूट थ्री कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया 2/3 और ये टू ये यहां पर ये रूट टू, तो ये कैसी संख्या होगी अपरिमेय। तो हमने देखा कि इन पहले दो उदाहरणों में हमने अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो एक बार परिमेय आया एक बार अपरिमेय, अर्थात जब हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी उसका उत्तर आ सकता है। ठीक इसी तरह से हमने दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया तो यहां भी यही हुआ, वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। भाग की स्थिति में भी यही हुआ कि हमने दो अपरिमेय संख्याओं का भाग किया तो यहां एक बार परिमेय आया और एक बार अपरिमेय आया। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या एक, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यहां पहला है 2-√5, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये अपरिमेय है। प्रश्न संख्या दो, 3+√23 और फिर ये -√23, तो ये क्या है इसे आइए पहले हल कर लेते हैं। 3+√23 और ये ब्रैकेट हटा लिए हैं अब, और ये -√23, तो
तो ये प्लस रूट 23 है और ये माइनस रूट 23 है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया ये 3 जो कि परिमेय है। अब ये तीसरा नंबर है 2√7 और बाई 7√7, तो ये √7 √7 कैंसिल हो गया, बच गया 2/7, तो ये परिमेय है। अब चौथा है 1/√2, तो इसका जो हर है इसे आइए हम परिमेय में बदलते हैं, तो इसके लिए 1/√2 और ये गुना करते हैं अंश और हर दोनों को √2 से, तो ये हो गया हमारा अंश में √2 और ये √2 × √2 ये हो गया 2, तो ये तो अपरिमेय है। अब पांचवा नंबर है 2π, तो हम देख रहे हैं कि ये जो पाई है ये अपरिमेय होता है, इसको हम 2 से गुना भी कर दें तो फिर वो अपरिमेय ही रहेगा क्योंकि ये अनवसानी अनावर्ती होता है, अपरिमेय। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये पहला नंबर है 3+√3 × 2+√2, तो इसे हम जिस तरह से गुना करते हैं बस वैसे ही गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं 3 और इसका गुना करेंगे 2+√2 से, इसके बाद ये प्लस है प्लस और ये √3 का से गुना करेंगे 2+√2, तो यहां पर देखिए 3 × 2 = 6 हो गया और ये 3 × √2 तो ये 3√2 हो गया और ये इसके बाद ये प्लस है √3 × 2 यानी 2 × √3, तो यहां पर ये हो जाएगा 2√3 और प्लस √3 × √2, तो ये ऐसा हो जाएगा √6, तो ये कितना आ गया, ये 6 हो गया और ये फिर वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, 6 चूंकि ये √2 है √3 तो जुटेगा नहीं, तो ये उतना ही वही रह गया। √6 + 3√2 + 2√3 + √6। अब इसका दूसरा नंबर देख रहे हैं, यहां भी हम यहां पर हम गौर करेंगे कि ये जो है यहां 3+√3 × 3−√3, तो हम लोग ये सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं a+b × a−b, तो ये होता है a²−b²। ठीक इसी तरह से यहां पर भी है, a की जगह 3 है और b की जगह √3 है, तो उसी सर्व समीकरण पर हम इसे बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3² और −√3² तो ये हो गया, ये 9 हो गया 3² और ये रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो ये हमारा आता है 3, तो ये हो गया हमारा 6। तीसरा नंबर है √5+√2² तो ये पुनः हमारा ये सर्व समीकरण पर आ जा रहा है a+b² तो ये क्या होता है a²
प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सर्व समीका का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो ए की जगह रूट फाइव है और बी की जगह रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट फाइव स्क्वायर प्लस टू ए बी है तो टू रूट फाइव इंटू रूट टू प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। तो रूट फाइव का होल स्क्वायर, अभी हमने देखा था कि ये रूट और स्क्वायर दोनों रहने की स्थिति में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर हो गया फाइव प्लस ये टू है और ये रूट फाइव इंटू रूट टू, जब इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा ये रूट टेन, और फिर यहां पर ये रूट टू का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो गया टू। तो इस तरह से हमारा ये पांच और दो ये हो गया सात प्लस ये दो और रूट दस। चौथा नंबर देखिए, ये फिर वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहां फिर वही हो जाएगा रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस रूट टू होल स्क्वायर, और यहां पर होगा ये पांच और ये हो जाएगा दो, पांच घटाओ दो तो ये आ गया तीन। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इन प्रश्नों में जो हर दिए हुए हैं ये अपरिमेय हैं, तो हर को हमें परिमेय में बदलना है। तो पहला है वन बाई रूट सेवन, तो इसका ट्रिक ये है, ये पहले हम लिख लेते हैं इसे। अब क्या करेंगे कि ये जो हर में रूट सेवन है तो अंश और हर दोनों को हम रूट सेवन से गुना कर देंगे, तो ये रूट सेवन अंश में और हर में रूट सेवन, तो इससे क्या होगा कि वन इंटू रूट सेवन अंश में तो हो गया रूट सेवन और ये रूट सेवन इंटू रूट सेवन हर में हो गया सेवन, तो ये देखिए हर का परिमेयकरण हो गया। प्रश्न संख्या दो, यहां हम क्या करेंगे, पहले तो इसे लिख ले रहे हैं वन बाई रूट सेवन माइनस रूट सिक्स। अब क्या हम करेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो सर्व समीका है उसका इस्तेमाल करेंगे हम हर को परिमेयकरण करने के लिए। तो इसके लिए यहां हम देख रहे हैं रूट सेवन माइनस रूट सिक्स है, तो अंश और हर में हम गुना करेंगे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स से। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप गौर कीजिए, हमने इसलिए ऐसा किया कि ये देखिए हर में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा अंश में हो गया रूट सेवन प्लस रूट सिक्स और ये उस फॉर्मूला पर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर ये हो जाएगा रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट सिक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया रूट सेवन प्लस रूट सिक्स और बाई ये सेवन का रूट सेवन का होल स्क्वायर था तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया सेवन और ठीक इसी तरह से बच गया यहाँ सिक्स और सेवन माइनस सिक्स हो गया वन, तो हमारा क्या बच गया रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। अब प्रश्न संख्या तीन, यही तकनीक हम यहां भी इस्तेमाल करेंगे, वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू,
और इसे हम गुना करेंगे अंश में रूट फाइव माइनस रूट टू से, और हर में भी वैसे उसी से गुना करेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू। तो इससे क्या हो गया, हमारा अंश तो हो गया रूट फाइव माइनस रूट टू, और हर में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह है यहाँ रूट फाइव। तो ये हो गया रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू होल स्क्वायर। तो ये रूट फाइव माइनस रूट टू बाई ये स्क्वायर और ये रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया फाइव और ये माइनस टू। तो हमारा आंसर आ गया रूट फाइव माइनस रूट टू बाई थ्री। अब चौथा नंबर देखते हैं, यहां भी यही तकनीक इस्तेमाल करेंगे हम, वन बाई रूट सेवन माइनस टू, और ये गुना कर देंगे रूट सेवन प्लस टू और बाई रूट सेवन प्लस टू। इन क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर सभी में आप देखिए कि जहां ये माइनस था वहां हमने ये प्लस वाला लिया है, यहां प्लस था यहां माइनस वाला लिया है, यहां माइनस है तो यहां प्लस, क्योंकि हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो यहां हो गया है रूट सेवन प्लस टू बाई रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये रूट सेवन प्लस टू बाई सेवन माइनस फोर, यानी रूट सेवन प्लस टू बाई थ्री। तो ये इसी तकनीक से हम जितने भी प्रश्न आएंगे हरों का परिमेयकरण करने के लिए वो उसे हम करेंगे, और हरों का जब परिमेयकरण करेंगे तभी हम जो इससे आगे के प्रश्न होंगे उनको हम हल कर पाएंगे। धन्यवाद।